मिस्टर सुंदर पिचाई का ऑफिस है. यस, द सीईओ ऑफ गूगल. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. आज हम जाने वाले हैं सुपर एक्साइटिंग जगह पे, जहाँ पे मेरे को लगता है जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं उनका एक ना एक बार लाइफ में सपना रहा होगा ये ऑफिस देखने का. दैट्स गूगल ऑफिस. और हम कोई नॉर्मल गूगल ऑफिस नहीं जा रहे, क्योंकि बहुत सारे गूगल ऑफिसेज होते हैं. हम जा रहे हैं वो वाले ऑफिस जहाँ पे मिस्टर सुंदर पिचाई का ऑफिस है. यस, द सीईओ ऑफ गूगल. यूएस में ट्रैवल करो, टैक्सी भी अपनी टेस्ला है दोस्तों. So, सबसे पहले अपने टूर गाइड से मिलते हैं. हाय मिस्टर मागो. मैं टूर गाइड बन गया हूँ. ऑब्वियसली हमें आप ही टूर देने वाले हो. मैं लाइफ गाइड हूँ. लाइफ, ओ माय गॉड, लाइफ गाइड से मिल लेते हैं मिस्टर मागो. कभी भी गाइस लाइफ में प्रॉब्लम होती है हम मिस्टर मागो को कॉल करते हैं. मेरी प्रॉब्लम होती है तो मिस्टर मागो खुद ही सॉल्व कर लेते हैं. मिस्टर मागो ज्यादा पंगे लेते ही नहीं. वेरी सॉर्टेड. मैं अपने इलाज की खुद मेडिसिन हूं. दुनिया भी बोलेगी नहीं तो मुझे नहीं पूछता. Tell us what can we expect today. Basically today we'll go to Google का MP, Google Plex office, which is like the main office. Okay. Which is where Google was born. मतलब their first office that ever was established was here. Okay. And process इस तरीके से है कि मतलब हम दो घंटे के लिए जाएंगे and I have an event which is like a socializing event only. एंड उसमें मैंने लाइक रजिस्टर कर दिया एज अ विजिटर फियांशु को. एंड प्रॉपर विजिटर के थ्रू हम लोग ऑफिस में जाएंगे एंड देन वी विल एक्सप्लोर द कैंपस. तो ये कोई स्नीकिंग नहीं है, ये प्रॉपर रजिस्टर्ड विजिट है. सो माउंटेन व्यू, इट्स कॉल्ड, सो गूगल प्लेक्स इज इन माउंटेन व्यू. माउंटेन व्यू इज एन एरिया इन नियर सनीवेल इन कैलिफोर्निया. तो वो ऑफिस में हम जाएंगे. मैं एक बात बता देता हूँ, मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड किस लिए हूँ, और आई एम वेरी श्योर मेरे सारे व्यूअर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे. जो बचपन से हमने एक बात सुनी हुई है कि गूगल के ऑफिस में होती है स्लाइड. मुझे वो स्लाइड लेनी है भाई. मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं स्लाइड लेने के लिए जा रहा हूँ. वो ये एमटीवी ऑफिस में है, माउंटेन व्यू ऑफिस में. और क्या ये भी सच होता है कि हर मतलब लाइक पास पास में लाइक 50 मीटर्स 100 मीटर्स पे या थोड़ी थोड़ी दूर में खाने पीने की ऑप्शन होंगी. तो बेसिकली हार्डकोर रूल नहीं है, बट एक प्रिंसिपल था कि नो गूगलर शुड बी अवे फ्रॉम फूड फॉर मोर देन 20 मीटर्स. मतलब 20-25 मीटर में हर एम्प्लॉय के आसपास खाना होना चाहिए. तो मतलब काफी विजनरी वो है, ऐसे हम लोगों के ख्याल में आते भी नहीं है जो ये लोग बना देते हैं. तो मतलब और मुझे लगता है कि जो लोग एस्पायर कर रहे हैं टू ज्वाइन गूगल, और बहुत लोग, क्योंकि बहुत इनका ना एग्जॉस्टिव प्रोसेस होता है फॉर रिक्रूटमेंट. चार इंटरव्यूज होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, कभी कभी लोग तीन में अटक जाते हैं, कुछ ऐसे अटक जाते हैं. In fact, just to motivate you guys, I also want to tell you कि कुशाग्र का second time में Google में हुआ था. First time he was able to reach till third level of interview. Third के बाद पंगा आया था, fourth में पंगा आया था. So अगर आप try कर रहे हो Google के लिए और आपका मतलब by chance नहीं हो पाए पहली बार में, दूसरी बार में, does not even matter, तीसरी बार में आप try करते रहो, ठीक है, just go for it, and कोई शर्माने वाली बात नहीं है. And trust me guys, जितना मुझे कुशाग्र ने बताया, एक हम अगर आप कमेंट करोगे तो हम इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे. बट इसने मेरे को जो पर्क्स वगैरह एक्सप्लेन करे वो भी बहुत अमेजिंग है. सो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो एक जो एनवायरनमेंट है ना, मतलब इसमें कल्चर है, लोग हैं, मतलब वो जो पूरा एक फीलिंग क्रिएट हो जाती है, जो वाइब है, ठीक है, वो वाइब मतलब बहुत अच्छी है. तो ये गूगल की साइकिल्स होती है, तुम चला भी सकते हो ना. हाँ, ये बेसिकली साइकिल्स हैं, ये गूगल में ऐसे साइकिल स्टैंड होंगे जो जहाँ पर तुम कहीं पर भी ये साइकिल्स, इसका लॉक इन लॉक कुछ सिस्टम नहीं है, बस चलाओ और पिक इट अप, लीव इट एट एनी स्टेशन, एनी स्टॉप, एंड वहाँ पर भी तुम्हें गारंटी नहीं है कि तुम वापस मिलेगी. मतलब वहाँ पे फिर कोई और ले जाएगा. मतलब जो आइकॉनिक बिल्डिंग जिसे बोलते हैं, ये कुछ चल रहा है जिसका इन्होंने इसको डेकोरेट कर रखा है. ऐसा दिखा है कि ये बहुत ओल्ड हो गया है, देखना देख. मिल गया है मेरे को पास विजिटर का, फाइनली अप्रूव्ड. और भाई क्या इनके लोग हैं, अल्ट्रा ही खुश चल रहे हैं भाई. जैसे आज ये पिकनिक पे हैं सारे. मतलब रिसेप्शन वाला बंदा इतने लोगों से इंटरेक्ट करता होगा. उसने, वही तो मुझे भी नहीं पता था, उसने मुझे बताया कि बिल्डिंग 43 में देयर इज अ ह्यूज स्क्रीन, ठीक है, जिसमें यू कैन सी द लाइव सर्च इज गोइंग ऑन गूगल राइट नाउ. ओ तो हम इसके बाद देखने वाले हैं पक्का. तो भाई नोटी नोटी सर्च हो रही है ये.
उससे पहले इनफैक्ट सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज लाइफ में क्या होती है? पेट पूजा, खाना, पेट पूजा, फिर काम दूजा। यस, गाइस तो ये हो डॉगू है, योशिकास कैफे। सो बेसिकली दीज आर कॉल्ड स्मार्ट फ्लावर्स, जिसमें आपके एक्सप्रेशंस एंड मूड के हिसाब से कलर ऑफ द लाइट चेंजेस। तो इफ़ यू आर सैड या फिर इफ़ यू स्माइल या फिर इफ़ यू एक्ट सरप्राइज्ड, तो वो फ्लावर्स का कलर चेंज हो जाएगा, विच इज़ व्हाट कैचो इज ट्राइंग। आप कोई इवेंट पे हम आए हैं, यहाँ का कोई इवेंट उवेंट चल रहा है कुछ आगर का? बेसिकली गूगल का इवेंट चल रहा है, खाओ पियो अपना, दारू दुरू मिल रही है यहाँ पे, आइसक्रीम ले रही है मैंने पे। एक दो एस्पायरिंग ब्लॉगर्स मिले जो कुछ आगर के फ्रेंड्स हैं, वो सब पूछने लगे मेरे से कि कैसे करना है, एडिटिंग कैसे करनी है, सारी वोली सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। तो गाइस अपने लोग डॉगी लेके आए हुए हैं ऑफिस के अंदर, कितना सुंदर ऑफिस है भाई ये, क्या बात है। एक कैफे के बाद दूसरा कैफे, कोल्ड कॉफ़ी है तो भाई प्लीज़ आई वुड लव टू। भाई साहब तारे देखो कितनी चढ़ी हुई भाई, कितनी वायर्स हैं। कम इससे मांगो, आई वुड लाइक टू चैलेंज यू भाई। ड्रॉ हो गया मिस्टर मांगो, घबराओ मत, आप जीत सकते हो मिस्टर मांगो, कम ऑन गाइस। अब हम जा रहे हैं गेम रूम देखने, भाई अलग ही चल रहे हैं यहाँ पे। ये जो सारी बिल्डिंग बनी हुई है ना, ऊपर सोलर पैनल लगे हुए सारे, हाँ, जो इस बिल्डिंग के जो ग्लासेस है वो भी ऐसे बनाए हुए कि मैक्सिमम सनलाइट अंदर जा सके, और यहाँ पे सिर्फ 0.5% इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है दिन रात में, क्योंकि जितना भी है वो सोलर पैनल से चल जाता है, बाकी नेचुरल लाइट आ रही है अंदर। वो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है वो, ये देखो काकू, ओए 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 ओए, क्या बात है मिस्टर मगो, ध्यान से चलते, सोच इतना करने के बाद डूब जाती है। मतलब हम यहाँ पे बैठ के थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं गाइस, लिटरली बता रहा हूँ। एक यार मतलब यूनिवर्सिटी लगे, हाँ मतलब जैसे बाहर यूनिवर्सिटीज होती है ना, ऐसे बहुत ज़्यादा चिल कल्चर है, मतलब ऑफिस से लगता है कुछ बड़े। और मैं एक साथ और बात करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता मैंने ब्लॉग में बोला कि नहीं, भाई बहुत इंडियंस काम कर रहे हैं, तो इतना प्राउड फीलिंग आती है ना यहाँ पे कि भाई हम लोग पहुँच गए। मुझे मतलब आई फील वेरी प्राउड, और मेरे को मतलब मस्त यार, अमेजिंग प्लेस। दोस्तों थोड़ा सा होटल आए थे काम कुम करने के लिए, अब वापस जा रहे कुछ आकर के फोन पिक करने, आईफोन 14 प्रो ये हमने ऑर्डर कर लिया था पर्पल कलर में, एंड मैंने इसको बोला मैं मेरा लैपटॉप अपने बैग में रख ले, मुझे ना थोड़ी सी ईमेल्स वगैरह करनी है, और व्लॉग भी आता है एडिटिंग के लिए पेंडिंग है, ईमेल तो फ़ोन से भी हो जाती, बट मेन मैंने व्लॉग के लिए उठाया है, सो उसको एडिट करके अपलोड कर रहे हैं। तो पहुंच गए हैं एप्पल, मिस्टर मांगो का फ़ोन लेने के लिए। हो मिस्टर मांगो ब्लॉगर, काफ़ी फैंसी मॉल है गाइस ये। तो गाइस ये मैंने लिया है एप्पल आईफोन 14 प्रो, विच कॉन्ग्रेट्स ब्रो। अभी अभी मेरे को याद आया कि यूएस वाला जो मॉडल है उसमें सिर्फ eSIM डलता है, एंड कुछ आगर अपना सिम तो डाल नहीं पाएगा, और इसको चाहिए होता है कि सिम ये, क्योंकि ये ट्रैवल करता है तो इसको सिम चाहिए होता है कि ट्रांसफ़र कर सके, मोस्ट प्रॉब्ली शायद हम फ़ोन वापस कर देंगे, एंड थैंकफुली यहाँ पे खुलने के बाद भी वापस हो जाता है। कुछ होती तो बहुत इंजॉय करती डियोर,
गुची बालगरी अपना लुई नहीं दिख रहा कुकू कितने साड़ा लुई ब्लूमिंगडेल्स जो भी इंडिया से है और जिसे फ्रेंड्स देखा है वो बड़ा क्यूट रिलेशन कर सकते हैं ब्लूमिंगडेल्स से इस हम आए हैं शेक शैक में काफ़ी पॉपुलर फ्रेंचाइज है एंड अगर आपको कैश से पे करना है तो आप यहाँ पे करोगे अगर आपको कार्ड से पे करना तो वहाँ पे मैं आपको अपडेट दे दूँ कुशागर ने आईफोन अभी नहीं रिटर्न किया हमने कल सैन फ्रांसिस्को जाना है तो मैंने कहा इसको तू थोड़ा सा और रिसर्च कर ले सोच ले क्योंकि बहुत मुश्किल से ऑर्डर हुआ है ठीक है अगर नहीं होगा तो एक दो दिन में हम रिटर्न कर लेंगे तो हम आए सेफ वे से नहीं कर ली ढेर सारी शॉपिंग केक शैक का भाई खाना हमने बर्गर खाया वेजिटेरियन बर्गर खाया लाजवाब लेमिनेट वॉज ओके ओके बट बर्गर वॉज सुपर्ब बेस्ट क्या थे फ्रेंच फ्राइज क्रिंकल फ्राइज विद चीज काफ़ी अच्छा खाना था हे गाइस गुड नाइट टेक केयर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन गूगल ऑफिस अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जाना और गूगल का कोई और फन फैक्ट आपको पता हो तो कमेंट भी कर देना